मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हैं। उनके पैर में चोट आई है। डॉक्टर्स का कहना है कि दीदी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ममता की इन तस्वीरों ने पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान का रुख बदल दिया है। स्ट्रेचर पर लेटी दीदी और पैरों में चढ़ा प्लास्टर, अब बंगाल की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। एसएसकेएम अस्पताल में ममता से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। अभिषेक बनर्जी, नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती, हर कोई दीदी का हाल जानने अस्पताल पहुंच रहा है। आज ममता से मुलाकात के बाद टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ममता से मिलने के बाद भावुक हो गयी, पर मीडिया से बात करते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाए। सबाई प्रे करूं जाते दीदी सब खूब शीघ्र ही सुस्त हुए उठुक, कारण दीदीर मनोबल खूब स्ट्रॉंग। शी इज अ फाइटर। दीदी निजेও বলেছে যে আই এম আ স্ট্রিট ফাইটার। শি লাইকস ফাইটিং স্ট্যান্ডিং অন দ্য স্ট্রিট এন্ড দিদি যেরকমটা বলেছিল সেরকমটাই করবে। শি ইজ ফাইটিং এন্ড শি উইল ফাইট ব্যাক স্ট্রঙ্গার। টিএমসি কে अलावा बीजेपी के नेता भी दीदी का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। बीजेपी नेता तथागत रॉय भी ममता से मिलने पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें नहीं मिलने दिया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर तथागत रॉय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन मुलाकात सर आपकी हो नहीं पाई है। नहीं, भेंट नहीं हो पाई है, इसलिए कि डॉक्टर की एडवाइस ही ऐसा है और उस पर तो कोई कुछ बात नहीं कर सकते, बात नहीं कह सकते हैं। तो हमने अरूप विश्वास जी को कहकर ये कहकर आया कि हम लोग चिंतित हैं और उनको बता दीजिए कि हमारे तरफ से सब तरह का शुभकामना है, जल्दी हो जाए। दीदी को देखा भी नहीं है अभी अंदर? देखा तो नहीं है, वही तो बताया मैंने, भेंट नहीं हो पाया क्योंकि डॉक्टर की एडवाइस ऐसा है कि किसी से भेंट नहीं करनी है। आप लोग यहाँ पर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए आए हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं तमाम लोग कि दीदी नाटक कर रही हैं। इस बारे में हम यहाँ पर कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, इसलिए कि हम यहाँ पर एक मानविक दृष्टिकोण से उनसे उनको शुभकामना जताने आए हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। चोटिल होने के बाद ममता बनर्जी कोलकाता के इसी एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें बाएं पैर के टखने में चोट है, हड्डी में चोट लगी है। कल हुई एमआरआई से पता चला था कि चोट लगी है और उसके बाद प्लास्टर किया गया था। उनकी हालत स्थिर है और 6 डॉक्टरों की टीम लगातार उन पर नजर बनाए हुए है। हर हेल्थ कंडीशन इज स्टिल स्टेबल बट द पेन इन लेफ्ट फुट परसिस्टिंग विथ फ्रंटल हेडेक। द हिमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड हाइपोनैट्रीमिया। The board recommended some further radiological investigation to exclude any pathology. ममता की हालत स्थिर है, लेकिन चुनाव के इस माहौल में उनकी चोट ने टीएमसी के कैंपेन को बड़ा झटका दिया है। 24 घंटे में ही ममता ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी, मगर उनके चोटिल होने के बाद सवाल उठ रहा है कि टीएमसी का प्रचार आगे कैसे बढ़ेगा। बीजेपी में स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट है, लेकिन टीएमसी के लिए ममता ही इकलौती स्टार प्रचारक है। फिलहाल 14 मार्च तक उनके प्रचार से जुड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। ममता आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, उसे भी टाल दिया गया है। ममता के प्रचार में लौटने तक के लिए टीएमसी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। सबको इंतजार है ममता के जल्द स्वस्थ होने का, जिसके बाद एक बार फिर वो चुनावी अखाड़े में हुंकार भरती नजर आएंगी। चित्रा त्रिपाठी और पौलमी साह के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।